प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के नाम पर 2016 से लेकर 2018 तक पूर्व की बीजेपी सरकार और केंद्र सरकार ने जमकर लूट की है और राज्य के किसानों के साथ धोखा किया। झारखंड के कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने यह आरोप लगाया है। चाईबासा में आयोजित कृषि मेले का उद्घाटन के दौरान उन्होंने किसानों को संबोधित करते हुए ये बातें कही। उन्होंने कहा कि डबल इंजन की सरकार ने किसानों को सिर्फ रुलाया है। पदाधिकारी से आग्रह करूंगी हमारे विधायक महोदय का घुस देकर स्वागत करें। 2016 में भारत सरकार की बीमा कंपनियां 153 करोड़ 58 लाख ले गई और मात्र जो वहां बैठे हुए लोग उनको 29 करोड़ 26 लाख दिया। चलो भाई 16 पार 17 का हाल देखिए, 114 करोड़ 37 लाख ले गए दीपक बाबू और मात्र 36 करोड़ 76 लाख इन लोगों को दिया। किए गए थे किसान कमा थे 225 करोड़ 54 लाख का प्रीमियम दिया। इनके पैसे को भारत सरकार के नामित बीमा कंपनियों को प्रधानमंत्री फसल बीमा के लिए पहुंचाया और उसके बदले भारत सरकार की बीमा कंपनियों ने मात्र 13 करोड़ 66 लाख रुपए हमारे इन